देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। बिहार में अगर सब्जी फैक्ट्री को हर चीज का खोल दे तो यहाँ का आदमी मजदूर मतलब बिहार से कहूँ जा ही नहीं सकता, मजबूरन जा पड़ता है। आदमी जो जाता जरूर है लेकिन कमाता है, लेकिन वहाँ बसता नहीं है पैसा, खाली बस नाम होता है कि हम फलाना जगह गए हैं, बस यही है कि नौकरी दीजिए आओ क्या। अच्छा, इस पर क्या बोलिएगा कि जो भी गरीब मजदूर है दूसरे राज्य में जाकर अपमानित होते हैं, बेइज्जत होते हैं, तो ऐसा सरकार क्यों नहीं कर देती है कि बिहार में ही रहकर बिहार के गरीब मजदूर यहीं पर काम करें और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहें। सबको तो सरकार को ये बात सोचना चाहिए पहले कि उसको व्यवस्था कर दिया जाए कि गरीब आदमी है, गरीब में पैदा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पर और यहाँ पर हमारे साथ कुछ मौजूद है कुली भाई लोग। इन लोगों से जानते हैं कि इनका जो दुख है, क्या क्या दुख इन लोग बता रहे हैं कि हम लोग को यहाँ प्रॉब्लम होती है पटना जंक्शन पर, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार, यहाँ कुछ दिक्कत होता है आप लोग को? दिक्कत तो आपके सामने हो ही रहा, ट्रॉली वाला बैग जब से चला है जब से तो हम लोग पाँच पाँच छः छः घंटा बैठे रहते हैं। मतलब जब से ट्रॉली वाला बैग लगा है पैसेंजर खुद से ढगरा कर लेकर चला जाता है? बस बस, मतलब आप लोग का जरूरत नहीं पड़ता? नहीं, ऊपर से स्लाइड वाला सीढ़ी भी चालू हो गया। हाँ, ऊपर से लिफ्ट लगे रहा, ऊपर से लिफ्ट लग रहा है, मतलब आप लोग कहानी खत्म। हाँ, तो फिर क्या करिएगा आगे आप लोग? क्या करेंगे, किसी तरह का से तो पेट पालवे ना करेंगे, किसी तरह से पेट पालना है। क्या काम करिएगा इसके अलावा? इसके अलावा हम तो सबका बोझ उठाते हैं। हाँ, ये तो कहे सही है, सबका तो बोझ उठेवे करते हैं। सरकार आप लोग का बोझ कब उठाएगी? तो सरकार हम लोग को दे रहेगा, केवल साल में एक वर्दी देती है बस, वो भी 120 रुपया जमा करते हैं तो साल में एक वर्दी मिलता है। पहले दो गो मिलता था, अब एक गो मिलता है। मतलब दो गो से अब एक वर्दी मिलता है? एक गो, वो अभी लगता है कि दो तीन साल से वर्दी बंदे है कोरोना को लेकर। हाँ, आपका क्या नाम हुआ भैया? विकास पासवान मेरा नाम हुआ। विकास पासवान, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का सामना है कि पैसेंजर हम लोग को कूली का कोई जरूरत नहीं रहता, आओ क्या जरूरत रहेगा। मतलब दिन पर दिन आप लोग का मतलब काम खत्म हो रहा है? जी सर, काम खत्म हो गया पूरा, आता है पब्लिक चल जाता है, कोई खोज खबर नहीं। फिर क्या होगा, फिर आप लोग का क्या होगा? क्या होगा, नौकरी देना चाहिए सरकार को, या क्या होना चाहिए आओ क्या। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? उम्मीद यही है कि नौकरी दीजिए आओ क्या। अच्छा, इस पर क्या बोलिएगा कि बिहार के जो भी गरीब मजदूर है, चाहे आप लोग हो चाहे कोई भी हो, बिहार सरकार चाहे वो किसी की भी सरकार आती हो बिहार में, वो लोग ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करते? बिहार के जो भी गरीब मजदूर है दूसरे राज्य में जाकर अपमानित होते हैं, बेइज्जत होते हैं, तो ऐसा सरकार क्यों नहीं कर देती है कि बिहार में ही रहकर बिहार के गरीब मजदूर यहीं पर काम करें और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहें? सबको तो सरकार को ये बात सोचना चाहिए पहले कि उसको व्यवस्था कर दिया जाए कि गरीब आदमी है, गरीब में पैदा हुआ है, उसको सारा व्यवस्था किया जाए कि भाई उसको मिलना चाहिए कि नौकरी कहाँ व्यवस्था है, डिप्टी अपना जो भी है लेबर क्लास में अपना दे जाए। जो बोले सही बोले ना? जी सही बात है। और यहाँ पर कुछ ये बताइए कि बिहार में ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं होता कि बिहार के लोग बाहर जाकर के अपमान होते हैं, अपमानित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, तो ऐसी सरकार क्यों नहीं करती कि बिहार के लोग मजदूर गरीब जो है बिहार में ही रहकर होते हैं? बिहार में सरकार क्यों नहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाती है जैसे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, बिहार में भी लगाएगी तो बिहार का गरीब मजदूर जो हो जो बाहर जाकर अपमानित होता है बिहार में काम करेगा ना अच्छा परिवार के साथ रह के खुशी खुशी? आप तो मैंने बनाने वाले ने जाने राजा, सरकार का गलती है ना इसमें, किसी की भी सरकार नहीं नहीं, सरकार से गलती तो होती है, पब्लिक का गलती है, पब्लिक से गलती है, मैंने गरीब मजदूर का गलती है। हाँ, अच्छा, किसका गलती है भैया? साहब हम क्या कह सकते हैं इसमें, सरकार तो अपना जगह पर भी वो भी सही है, हम लोग भी अपना जगह पर सही। सर आप ये बताइए, आखिर सर ये बताइए कि बिहार में चाहे किसी की भी सरकार हो, हम सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, ऐसा सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि जो बिहार के गरीब मजदूर दूसरे राज्य में जाके अपमानित होते हैं, मार खाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में गुजरात हो, बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, अपमानित होते हैं, तो ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है बिहार के सरकार के यहाँ के गरीब मजदूर यहीं पे काम करें, यहीं पर अपने परिवार के साथ। बिहार में अगर सब्जी फैक्ट्री को हर चीज़ का खोल दे तो यहाँ का आदमी मजदूर मतलब बिहार से कहूँ जा ही नहीं सकता,
मजबूरन जा पड़ता है। आदमी जाता जरूर है लेकिन कमाता है, लेकिन वहाँ बसता नहीं है पैसा, खाली बस नाम होता है कि हम फलाना जगह गए हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। बिहार का मजदूर जो है मजबूर है, मजबूर है इसलिए कि मतलब जाता कहता कि हम बॉम्बे में काम किए फैक्ट्री में, तो अरे बॉम्बे में काम किए जरूर लेकिन क्या पैसा लेके आए तुम, अगर बिहार में उस चीज़ को अवेलेबल होता तो बिहार में काहे आदमी जाता अदर स्टेट में। तो कहीं ना कहीं सरकार का तो सर गलती है, गलती तो ही सरकार का। अगर यार बड़े बड़े वादे करती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, इतना करेंगे, रोजगार देंगे, इंडस्ट्रीज खोलेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज होती नहीं है यहाँ। इलेक्शन घड़ी सब वादा करते हैं, इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। मतलब इलेक्शन में 10-10 इंडस्ट्रीज, 20-20 लाख नौकरी भी मिल जाता है इलेक्शन के, बस मुँह से, लेकिन मिलता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं है, बिहार के हाथ खाली है बस। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कि अगर बिहार में अगर फैक्ट्री खोल दे तो फिर दूसरे जगह अदर स्टेट में जे भी नहीं करेगा आदमी, ये काम करेगा अपना, बाल बच्चों को देखेगा। यूपी में भी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो चुका है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं लग रहा है? वही ना कह रहे कि बिहार में पैसा है कि नहीं है, क्या है, यहाँ का पैसा जाता है अदर स्टेट में, अब बिहार ऐसे ही रहता है, यहाँ का, यहाँ बिहार में पैसा नहीं है। बिहार में तो बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ चाहते नहीं सरकार, खाली वादा करते हैं वो छोड़ देते हैं, देखते नहीं। छापा मराता है बड़े बड़े अधिकारियों के पास, बड़े बड़े कर्मचारियों के पास, किसी के पास 500 करोड़, किसी का 1000 करोड़ से आते ही है पैसा, है ना तब, लेकिन यहाँ देखने नहीं जाती है, बस जिसका सरकार हो बस उसी के प्रति वो बोलता आदमी। अच्छा, बिहार की सरकार जो है बिहार में गरीब मजदूर के लिए यही पर इंतजाम क्यों नहीं करती कि लोग यही पर रह के कमा खाए अपने परिवार के साथ रहे? पहली बात तो मैं बोलूँगा मैं मजदूर नहीं हूँ और बिहार के सरकार के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। आप मजदूर नहीं है ठीक है, हम बात आपकी मानते हैं कि आप मजदूर नहीं, आप बढ़े लिखे, आप अच्छे परिवार से आते, लेकिन ये बताइए, ये बताइए कि जो गरीब है बेचारा बाहर जाकर अपमानित होता है बिहार छोड़ने के बाद, अपमानित होता है, आखिर बिहार सरकार अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा देगी तो बेचारा बाहर जाकर क्यों अपमानित होगा? वो तो अब कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसने जितना सरकार की गलती है उतना पब्लिक की भी गलती है, पब्लिक फोर्स नहीं करती गवर्नमेंट की आप कुछ लगाइए ना ही कोई, इलेक्शन का टाइम पब्लिक जात पात देख के वोट देती है जी, ना विरोध करती है सरकार का, जो ज़्यादा बोल सकते जात पात कुछ ज़्यादा ही बिहार में, बिहार में जातीयता बहुत है ना। क्या बोले? बिहार में जातीयता बहुत है, बहुत है, इलेक्शन जब भी आता है लोग जात धर्म देखने लगते हैं, देखते हैं कभी, मतलब कहीं ना कहीं यही कारण है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रहे जी। चलिए, तो आपने सुना यहाँ पर पटना जंक्शन पर हम मौजूद थे, यहाँ पर कुछ कूली भाई भी थे, कुछ पब्लिक भी थे, पब्लिक ओपिनियन भी हमने लिया, अपना दर्द बताया कि देखिए हमने उनसे पूछा कि बिहार के सरकार जो है आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि बिहार के जो भी मजदूर लोग हैं वो मजबूर ना हो बाहर जाकर काम करने के लिए, यही पे रोजगार सरकार दे दे, इंडस्ट्रीज खोल दे ताकि यहाँ के लोग बाहर ना जाए। कुछ लोग कहना है कि ये सरकार और यहाँ की जनता दोनों की गलती है, क्योंकि जब इलेक्शन आती है तो यहाँ की जनता जो है जात और धर्म के नाम पर वोट देती है। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, अगर हमारा आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।